आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th और 12th दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पर श्वेत रंग के प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभाजित होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण मुख्य रूप से ये तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। आइए देखिए कैसे निर्भर करता है। लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो 7800 एंगस्ट्रॉन होता है और बैंगनी रंग का प्रकाश 4900 एंगस्ट्रॉन होता है। तो यहाँ एक सूत्र है n1/λ², यानी जो अपवर्तनांक होता है वो तरंग दैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस फार्मूले से स्पष्ट है लाल रंग का प्रकाश अधिक वेवलेंथ होता है तो इसका अपवर्तनांक कम होगा और बैंगनी रंग का वेवलेंथ कम होता है तो इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो इसका अपवर्तनांक अधिक, इसका अपवर्तनांक कम। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं इसमें एन एन वी एन आर अपवर्तनांक। ये भिन्न भिन्न रंगों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ हमने दो रंग लिए हैं जो किनारों पर होते हैं। जैसे ये प्रिज्म है तो प्रिज्म पर जब श्वेत रंग का प्रकाश पड़ता है, जैसे ये है लाइट आई, तो इस पे जब पड़ेगा यहाँ से तो ये इस तरह से फिर ऐसे, तो ये दो कलर में ये आपका जो है बैगनी और रेड। इस किरण को आप आगे बढ़ाइए, इनके बीच में देखिए वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पर ये विचलन कोण कितना हो रहा है, आइए देखते हैं। इसमें ये आपका कहलाएगा डेल्टा आर और ये क्या कहलाएगा, डेल्टा वी। इससे स्पष्ट है, एक फार्मूला आपको डेरिवेशन में बताया गया था, डेल्टा एम इजकल टू यहाँ पर जो अल्पतम विचलन कोण होता है वो n-1 × a होता है। तो यहाँ इस आधार पे अगर हम इस फार्मूले के आधार पे रखें तो यहाँ पे बैगनी के लिए रखें तो बैगनी का अपवर्तनांक रखेंगे यहाँ पर और इंटू ए, और रेड का हो जाएगा यहाँ पर वर्ण विक्षेपण अल्पतम विचलन, तो अल्पतम विचलन डेल्टा आर, तो यहाँ पे हो जाएगा एन आर बैंगनी रंग का अपवर्तनांक और इंटू ए। इन दोनों फार्मूले से स्पष्ट है यहाँ पर, यहाँ पे अल्पतम विचलन कोण किसका अधिक होगा, यहाँ पे बैंगनी का अधिक होगा और रेड का कम होता है, जो इस चित्र में स्पष्ट है। तो बैंगनी का सबसे अधिक है और रेड का सबसे कम होता है। तो ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है और इसके आधार पे हम समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसा क्यों होता है, ये इसका रीजन ये फार्मूला है। ये फार्मूले के अनुसार जो हमने इस तरह से देखा और इस तरह से इसमें प्रैक्टिकल के अनुसार इसी तरह से हमको प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा विचलन यानी अल्पतम विचलन कोण किस रंग का होता है, बैंगनी का होता है, और सबसे कम अल्पतम विचलन कोण किसका होता है, रेड का होता है, जो इस पिछले पिछले डेरिवेशन में आपको बताया गया था। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे।